हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ झटपट पिज्जा सॉस बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप झटपट से बना करके और फटाफट आप पिज्जा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पिज्जा सॉस के लिए सबसे पहले मैंने टमाटो सॉस या केचप जो भी आपके पास है आप ले लें, 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। यही 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ओरिगानो लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा 7-8 का लिया, लेकर के जो है चॉप गार्लिक लिया है। और अब हमने क्या करना है, अब हम इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सॉस में डाला ओरिगानो, यहीं पर चिली फ्लेक्स, गार्लिक, यहीं पर सॉल्ट भी डाल दिया, कैमरा बंद हो गया दोस्तों। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और दिखाते हैं। तो बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये पिज्जा सॉस तैयार है। तो ये पिज्जा सॉस बिल्कुल तैयार है। आप अगर गार्लिक नहीं पसंद करते तो बेशक आप गार्लिक ना डालें, आप सिर्फ नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ब्रेड पिज्जा के लिए चीजें रखी हैं। सबसे पहले मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, ये पिज्जा सॉस जो हमने अभी बनाया है, चीज ली है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, मैंने कम ही लिया है। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं, आप अपने पसंद की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लिया है, थोड़ा सा बटर अगर आप चाहें तो यूज करें और चाहें तो इसको स्किप कर दें। अगर आप ग्रिल कर रहे हैं तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए हम बना लेते हैं ब्रेड पिज्जा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये पिज्जा सॉस है वो हर एक ब्रेड पर फैला लूंगी, अच्छे से स्प्रेड करना है। मैं स्प्रेड कर देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पिज्जा सॉस लगा चुकी हूँ जो हमने अभी तैयार करी थी, और वो जो सॉस है वो 4 ब्रेड के लिए काम है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले वेजिटेबल्स मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो वैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं, जिसे जो ज्यादा पसंद हो वो डाल दें। मैं मिक्स करके डाल दूँ, जब ये अच्छे से मिक्स हो गए तो हमने सारे ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। इवनली फैला लें, सारे में स्प्रेड कर दें। बच्चों के टिफिन वगैरह में भी आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये ब्रेड पिज्जा। तो ये देखिए, सारे ही वेजिटेबल्स हमने अच्छे से फैला ली हैं, और अब हम ये चीज ऐड करेंगे इसके ऊपर। अगर आप ज्यादा चीज पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरह से सारे ही पिज्जा पे हमने स्प्रेड कर दी है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से सारी चीज हमने स्प्रेड कर दी है, और दूसरी तरफ अब हम बना रहे हैं पैन पर, तवे या पैन पर आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पैन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये जो पैन है हमारा वो गर्म कर लिया था, और अब हम इस पे थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए जिससे जो बेस है नीचे से क्रिस्पी हो जाए। मैं थोड़ा थोड़ा बटर इस्तेमाल करती रहूंगी और लगा, और अब इसको कवर कर लेंगे 5 मिनट हमने इसको। तो
यहाँ पर हमारा बन रहा है पिज्जा और इसको हम बना रहे हैं पैन में और ढक चुके हैं। दूसरी तरफ मैं सोच रही हूँ कि दो पिज्जा हम बनाएंगे ओवन में, तो प्री हीट कर दिया है हमने पिज्जा बनाने के लिए और कुछ ही देर में जो है ओवन हमारा गर्म हो जाएगा और आप देखिएगा बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैन में बनाया हुआ है और कौन सा ओवन में बनाया है। तो यही जादू हम दिखाने वाले हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पैन में भी बिल्कुल वैसा ही पिज्जा बनता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पिज्जा रख देने हैं, एक में रख चुकी हूँ और इतनी देर में ना जब तक ये तैयार, यहाँ पर हम रखेंगे इन दोनों ब्रेड स्लाइस को, तब तक हमारा जो पैन वाला पिज्जा है वो तैयार हो जाएगा। तो दूसरा भी रख देते हैं और इसे ढक देते हैं, बंद कर देते हैं मतलब। तो ये देखिए बहुत धीमे से रखी, कहीं हाथ ना जल जाए, ऊपर रॉड लगी होती है ना तो उनसे हाथ जलने का डर रहता है। आराम से इसको पीछे सरका दें और इसे हमने बंद कर दिया है। धीरे धीरे ये सिर्फ 5 मिनट आपको प्री हीट करना है और 5 मिनट ही आपको इसको बंद करके पकाना है। बस 10 मिनट टोटल लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। चीज मेल्ट अभी होने लगी है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। और दूसरी तरफ ये पैन पिज्जा देखते हैं, ओहो बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है और देखिए चीज कितनी मेल्ट हो रही है एकदम। वो आप देखिएगा, मैं सर्व करूंगी, दिखाऊंगी आपको। और देखिए इसका जो बेस है, शायद आपको आपको महसूस नहीं हो रहा है लेकिन मैं जो इसको नाइफ से हिलाकर देख रही हूँ बहुत क्रिस्प है, बहुत क्रिस्प। तो पैन पिज्जा तो हमारा तैयार हो गया है, अब ये ओवन वाले पिज्जा हम देख लेते हैं खोल करके। इनकी भी खुशबू तो बड़ी बेकरार करने वाली है, बहुत ही अच्छी खुशबू। तो अब धीमे से इन्हें भी निकालते हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आप बता सकते हैं ये दो पिज्जा तो मैंने बनाए हैं ओवन में और ये दो पिज्जा बनाए हैं पैन में, कोई बता सकता है कि ये कौन से पिज्जा हमने किस में बनाए? बता ही नहीं सकता, इतने मजेदार इतने खुशबूदार बने हैं। आप खाइए और बनाइए और बताइए कि आपको कैसे लगे हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो बनाइए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, बहुत आसान है और जरूर बनाइए, मुझे भी बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।